नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड गए थे, जहां उन्होंने पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर का दौरा किया। इसे लेकर उन्होंने शनिवार को कहा कि दोनों जगहों की यात्रा बहुत खास थी और लोगों को यहाँ जरूर जाना चाहिए। उन्होंने ट्विटर पोस्ट में लिखा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि उत्तराखंड में कौन सी एक जगह जरूर देखी जानी चाहिए, तो मैं कुमाऊं क्षेत्र के पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर का नाम लूँगा। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और दिव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। गुरुवार को एक दिन के उत्तराखंड दौरे पर गए पीएम मोदी ने सबसे पहले पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए, फिर भारत चीन सीमा से सटे गुंजी गांव गए, बाद में अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम पर माथा टेका। दिन के अंत में पीएम ने पिथौरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हमने सीमावर्ती गांवों को अंतिम नहीं बल्कि देश के पहले गांव के रूप में विकसित करना शुरू किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ऐसे ही सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। यह काम पहले की सरकारों द्वारा भी किया जा सकता था, लेकिन पहले की सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाएं। आज का नया भारत पहले की सरकारों की इस डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।